हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं गांव जाने के लिए। ना पाड़ा मा। हिमा किठे से पाड़ा जाना बहुत करती है मेरा। गांव पहुंचने वाले हैं, रूप गाड़ी चला के जा रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज बहुत ही दिनों बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने शूट की है, क्योंकि अब थोड़ी नहीं, अब मैं पूरी अच्छे से ठीक हो गई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी बेस्ट विशेज भेजी थी मेरे लिए, बहुत सारी प्रेयर्स की थी, और उसका नतीजा कि मैं इतनी जल्दी से ही हो गई हूँ, अच्छी हो गई। अभी 14-15 डेज हुए मेरे ऑपरेशन को, और मैं आपको दिखाती हूँ रूप उधर क्लास ले रही है, और अब मैंने थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया, सो मैं घर का काम कर रही थी। तो गाइस ये चल रही है इनकी क्लास। तो गाइस अभी तो मेरी क्लास चल रही है, ये मानसी के लिए रेडी हो रहे हैं सब, क्योंकि मानसी अब ठीक हो जाएगी, तो साथ के हम तीनों इस गाने पे। मैंने बता दिया सबको कि आप लोगों की प्रेयर्स की वजह से मैं बिल्कुल अच्छी हो गई, और थोड़े दिनों बाद हम लोग ये वाले गाने पे वीडियो बनाएंगे, और आपको मजा आएगा वीडियो देख के। ये देखो ये बच्ची बनी हुई है, क्या कर रहे, टूट जाएगी उसकी साइकिल, टूट गई ना राधा, मैंने नहीं दिलानी तेरे को, बोल रहा है इसको चढ़ा रखा है तूने जो बंदा मुक कर गया। तो गाइस हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं गांव जाने के लिए, आराध्या रेडी हो रही है, मानसी रेडी हो रही है, रूप भी रेडी हो चुकी है, कर रही है उसके मम्मा, और ये हमारा प्राणी जिसका ऑपरेशन हुआ है, वैसे कोई यहाँ पूछने नहीं आया, लेकिन हम खुद ही घर चले जाते हैं, हमारा ही घर है ना वो, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम अपने घर जा रहे हैं, हम ये बताने जा रहे हैं कि वो हमारा भी घर, ये हमारी प्यारी सी बेटी है, हमारा फूल है ये, पिंक पिंक, आज हम कुछ पिंक पिंक पहन कर जाएगी, शूज भी पिंक है, ये बैग भी पिंक है, जब फूल रेडी हो जाएगी ना फिर दिखाएंगे आपको। ये देखो पीछे से भी। हाँ। कौन सी आंटी ने गिफ्ट दिया ये? प्रीति आंटी ने। हाँ, बर्थडे का गिफ्ट दिया था ये बैग। हाँ, पापा ने मुझे ना जादुई पानी वाली बुक दी है। हाँ, मैंने पानी वाली बुक दी थी, मैंने सारा स्टडी, मैंने सभी गिफ्ट स्टडी वाले दिए। लोग बच्चों को सिखाते हैं ना, जैसे उसने बोला जादुई बुक, हिंदी वर्ड भी कोई कोई कितना अच्छा लगता है बच्चों के मुंह से, इतना डीप वर्ड बोल के, नहीं तो बच्चे मैक्सिमम मैजिक मैजिक बोलते हैं, हिंदी भी सिखानी चाहिए बच्चों को है ना, जो इतने अच्छे वाले वर्ड बोलते हैं। बहुत अच्छी बात की तूने, शाबाश। तो कोई बात नहीं, ऑपरेशन हुआ, थोड़े बादाम खाएगी। ये मुझे कई बार मैं ऐसी कोई बात कर देती हूँ, फिर ये मेरे को पता क्या कहते कहते, पहले एक बात बता, डॉक्टर ने पक्का तेरे पेट का ही ऑपरेशन किया था, कहीं दिमाग का तो नहीं कर दिया? आराध्या बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। आराध्या ने ज्यादा जिद डाली हुई थी, पिंड जाना है, मुझे अबू चाचू के साथ खेलना है। मम्मी भी तो खेलेगी। हमने प्लान किया, हम तीनों खेलेंगे। तो आप लोगों को आज गांव दिखाऊंगा यार अच्छे से, और आज हम लोग गांव में खेतों की तरफ भी जाएंगे पैदल चल के, ठीक है? फोन ले, चार्ज कर लो अपना फोन, ले जाना व्लॉग बना लेना, ठीक है? तो ये देखो बैग लेकर जा रही है, जो अपना गिफ्ट इसने खुद कमाया है, तो कहते मैंने ये शूट का केस लेकर जाना है, तो CNG डलवा रहे हैं गाइस यहाँ पे। गाइस हम गांव पहुंचने वाले हैं, और रूप गाड़ी चला के जा रही है, और ये पीछे बैठे हैं। मानसी डर तो नहीं लग रहा? हाँ, है? लग रहा। कितना है? कितना? बहुत। क्यों? जो पीछे इसने किया ना, इसने ना पीछे खड्डा था, बाहर धीरे नहीं की गाड़ी, सेकंड गियर ठीक है आई। ये मेरी दादी गाइस, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास क्या हम्म, ठीक है तो मीठा ठीक जीती तो ठीक जी है। अम्मी बनूड रू चंडीगढ़ उठी रही हूँ, चलने माय ला रहे ना पाड़ा छे माँ, हिमा किठे से पाड़ा छे मर ला गए रे घर को नहीं पाए, हिमा तो घाट होती है बाहर, तो धूप निकलने वाली छे। तो गाइस ये हमारी भाषा थी जो हम बोल रहे थे, ये मेरे मतलब दादी दादा वो बोलते हैं, मुझे वो कम आती है, लेकिन मैं अपनी दादी के साथ ऐसी बातें करता था मतलब इस लैंग्वेज में। कौन के? ये हमें ना हम अपू ना लखा लोग देखे पहले अपनी वीडियो, अच्छा मनु लखा लोग ही जाने, अच्छा हो गए मनु पैसे आ भी, तो मैं इसको बता रहा था कि मैं ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग करता हूँ, लाखों लोग देखते हैं हमें, और इन लोगों के प्यार के साथ ही हमें पैसा आता है। पाकिस्तान से आई है मेरी दादी, मतलब पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो हिंदू जो थे तो हिंदू इधर आ गए थे। अच्छा, तो, बता बना कर। हाँ तू बना कर। मैं बावड़े पल्ला वाला हूँ।
तो ये पूछ रही किससे बातें कर रहा है। मैं कह मैं ये रिकॉर्ड कर कोई बात नहीं पति का से। वो बोल रही है कि तू बातें कर रहा है लेकिन मैं तो सोई हुई हूँ, मुझे उठना पड़ेगा। हम सो कर भी बातें कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये दादी है गैस मेरी, यही है घर में जो मेरा बहुत करती है, बहुत करती है मेरा। चल सो थोड़ी देर, फिर मैं हले हो रही है, रात में इतनी है मैं। अच्छा सारी, हाँ मैं सारी रात तीन बैठी जो। चल चल, यहाँ ऊपर रहता था गैस में, ये प्लांट्स तब के ही लगे हुए हैं, 1.5-2 साल पहले के। अब मम्मी पानी वगैरह लगाती है, पहले हम भी लगाते थे यहाँ। ये हमारा पुराना घर है गाइस। हाँ जी बेटा, पहले इस घर में रहते थे, वो भी बहुत अलग ही मज़ा था यार। कच्चे घर में रहते थे, शादी और सॉरी जब बारिश होनी तो पानी टपक टपकता था अंदर, बर्तन रखते थे इधर से गिर रहा उधर से फिर निकालते थे। कभी कभी बहुत तेज बारिश हो जानी तो झाड़ू से पानी निकालते थे। अभी तो फिर भी उसके बाद ये लगा ली थी टाइलें और ये फर्श जो देख रहा है ये कर लगा करा दिया था पत्थर वगैरह। उससे भी पुराना टाइम मुझे याद है, तब ये भी नहीं था, सारा कच्चा था तो पानी हो जाता था और 10-10, 20-20 लड़के इस ग्राउंड में हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। ये पीछे तक था, ये सीढ़ी जो थी ना अभी, ये पहले ये नहीं थी, कच्ची थी लकड़ी, मतलब लकड़ी की सीढ़ी थी, उससे चढ़ते थे तो पीछे तक यहाँ हम क्रिकेट खेलते थे। यहाँ वहाँ बैट्समैन करता था, उस खंबे के पास से बॉलर खड़ा होता था, वहाँ पे वहाँ से बॉलिंग करनी और यहाँ खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। अब वो दिन याद आते। और ये यहाँ पे जो हमारा ये कोठी बनी है, यहाँ पे एक पेड़ होता था, ये भी खुला होता था सारा वहाँ तक, यहाँ एक पेड़ होता था बहुत बड़ा, तो वो पेड़ के नीचे झूले झूलते थे, बहुत मज़े करते थे। आराध्या ने तो वो चीज़ें देखी नहीं है, आराध्या को तो पता भी नहीं होगा, तब फ़ोन भी नहीं थे इतने की पिक्स वगैरह उस वक्त की होंगी, पेड़ की पिक्स भी नहीं है वो पेड़ की, अब तो चलो यहाँ पे कैप्चर हो जाती हैं। और मुझे ये भी नहीं पता कि ज़्यादा फ़ोन देखने से आंखें खराब हो जाती है। कौन सा टॉपिक भी चलेगी ये देख भी चलेगी। और ये नीचे है, नीचे भी सेम ऊपर जैसा ही है बहुत सर। ये राध्या की फ्रेंड है, इसका नाम, आपका नाम क्या है? एंजल। इसका नाम एंजल है, देखो एंजल जैसी लग रही है ना, ये एंजल है। अब जो चीज खा रही है ना उसमें इतना ज्यादा फैट है, इतना ज्यादा शुगर है ना, ये वाले बिस्किट। अब आप बोलो है या नहीं इसमें, लेकिन ये लगी है, चाय मिल रही है, बैठ सोफे पे बैठे इन को बैठे हैं, खा रहे हैं, मौज है गाँव में। तो ये रूप का काम है भाई, मेरी कजन की ना मौसी की बेटी की है शादी, उसने अपने लिए ले आया ये पहन कर देख रही है, देख के मुझे अच्छा लगा। हाँ तो डम्मी हर एक चीज तेरे दिखाता है, देख मैं कैसी लग रही तेरे पे चेक की जाती है। देख तो ये देखो गाइस, ये लगी हुई है बैट बॉल खेलने, इसको और कोई काम नहीं है ना, ये देखो ले ले आउट कर दी तेरे को उसने, आउट कर दिया खेल, अब ले मैं करूँ एक बार ले। अब ये खेलने लग गई है देखो, और वो वहां पे रोक के बैठी हुई है, कहती मैंने खेलना है। मैं क्रिकेटर हूं, वो गुस्सा के बैठ गई। अब क्या क्या तू क्या किसके आड़े कुत्ते पर। हां अब मुझे चला, ए गिर जाऊंगी, नहीं गिरती। गाइस देखो ये कहां जा रही है ऊपर, अगर गिर गई ना हड्डियां टूट जाएंगी। और बंदे गिर जाएगी, रहन दे, बस देख लो ये कहां जा रही है, खुद मुसीबत को घर बुला रही है अपने। चलेगी ऊपर। तो गाइस हम गांव में आए हैं, आप सबको लोगों को पता है, एक रील बनाने जा रहे हैं, बहुत ही फनी और मजेदार रील है, ये देखने को मिलेगी आपको रूप राजपूत और मानसी राजपूत के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इन दोनों के अकाउंट पे डालूंगा मैं, तो ये रील जरूर देखना। अभी हम उसकी शूट करेंगे अभी। कबाड़ी वाला गत्ता दे दे, कॉपी दे दे, प्लास्टिक दे दे।
गाइस ये मैंने सब्जी बना दी थी, अब बारी आई रोटियां बनाने की। रोटियां यहाँ रूप बना रही है, फटाफट लगी हुई है। आज मैं बीमार भी हूँ, आज ना मेरे को जुकाम बड़ा लगा हुआ है, मेरी हालत थोड़ी सी ना डाउन हो रखी है। फिर भी देख लो हमारी इतनी अत्याचार, और यहाँ हमारे जठानी पे अत्याचार ढाते हुए अत्याचार ढा रही है मेरे को। मेरे को जुकाम है, ये नहीं बोलती तू जाके रेस्ट कर ले बस। यार पता क्या, हम लोग वैसे भाभी पीछे से पूरे घर का ध्यान रखते हैं, सबको खाना सब कुछ भाभी करते हैं। जब हम लोग आते हैं फिर भाभी को बेचारी को एक दिन की रेस्ट भी तो चाहिए। मुझे भी तो रेस्ट मिलनी चाहिए, तुझे किस चीज के लिए लाए हम? हाँ तुझे, तू तेरा सारा दिन तो आज रेस्ट ही की है तूने, पूरा दिन आवाज सुनाने लगी है। अभी भाभी को बोलती है अभी तेरे बाल ही दिखाई दे रहे हैं, तेरा मुंह तो दिखाई दे नहीं रहा बिल्कुल भी। इसको जुकाम लगा हुआ है बहुत खतरनाक वाला, कहती नाक से कुछ निकल ना जाए इसलिए मैंने मुंह छुपाया। भाभी आ साइड हो जाओ, कहीं आपको भी लगा देंगे। भाभी बोल रही वायरस हुआ है इसको। रात के 10 बज रहे हैं गाइस, और मैं गांव में अंकल के घर से अपने घर जा रहा हूँ। शायद आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो बैक कैमरे में फ्लैश लाई है मैंने। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन रात के 10 बजे पूरा गाँव अगर आप देखोगे सभी सड़कें बिल्कुल खाली हो जाती है, और डॉग्स वगैरह गलियों में, ये मतलब एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, चौकीदार होते हैं ये। अब वो देखो, जूम करता हूँ, वो देखो मेरे को भौंक रहा है ये। तो गांव में ऐसा हो जाता है, शांति हो जाती है, बिल्कुल कोई भी नहीं होता गली में। और ये हमारा पुराना घर है, और ये हमारा नया घर है। ये डॉग मुझे भौंकता रहेगा जब तक मैं इसकी आंखों से दूर नहीं होऊंगा। और अभी मैं चलता हूँ अंदर अपने घर में। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, पुराने घर में पापा की गाड़ी खड़ी है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह हो चुकी है, मैं आपको गांव की सुबह दिखाता हूँ। यहाँ विंडो में से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। इस विंडो के साथ सो रहा था मैं, पहले भी सोया करता था मैं यहाँ पे, आज थोड़ा लेट उठा, थोड़ा इससे अगर जल्दी उठता ना बहुत अच्छा लगता है बाहर का व्यू। मैं यहीं पे सोया करता था पहले भी। ये सामने मस्जिद है हमारे घर के, दूसरी साइड पे गुरुद्वारा साहब है हमारे घर के। गुड मॉर्निंग गाइस, तो देखो पिंड की सुबह, हम लेट हो गए उठने में इसलिए तो आपको सुबह ना थोड़ी धूप वाली नजर आ रही है। ये सुस्त आ रही है ना क्या ये? ये ना इंतजार कर रही है कि मैं भी लगूं कपड़े धोने। ये लगी हुई है, ये देखी इधर कपड़े धो रही है। लग के कपड़े धो दो अच्छे से धो, ठीक है मैं अंदर झाड़ू लगा दूं। और ये हमारा पति देव वो जा रहा है, वो देखो नीचे इनको गाड़ी साफ करने के लिए लगाया, वो गया घूम गया। तो गाइस अब मैं चढ़ने वाली हूँ ये हमारे पुराने वाले कोठों पे, ये ना टूटे हुए भी हैं। मुझे ना यहाँ पे दिखाई दिए ये कहाँ गया, मैं इनको तोड़ने आई हूँ। एक तो मिल गया, दो आज मैं यही खाऊंगी, और भी है एक। उस तक पहुंचने के लिए ना मुझे घड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो लगा हुआ है। तो गाइस मम्मा बोल रहे हैं मेरे सूट की सिलाई करनी है, एक पजामा काटना है, अब डूबो काटने लगी है। मत कर छेड़, बराबर क्यों रख रही है, वो कान है, तू नहीं निकालती होती कान। तो ये देखना ये क्या जा रहा है, ये कुलाई में जा रहा है इसलिए कान है। भाभी भी स्टिच कर लेते हैं पर अभी भाभी का हाथ थोड़ा टाइट है। हैं भाभी, अभी भाभी का हाथ थोड़ा टाइट है, मतलब अच्छे से नहीं आता अभी, इसको आ जाता अच्छे से। तो इसको भाभी ने लगा दिया अब कटिंग के लिए, अब ये करेगी। बाकी तो ठीक है, एक ताड़ी रख दिया ना में।
रूप बाकी तो ठीक है, तू लेट क्यों रही है, कपड़े काटती काटती कहाँ थी ये, वहां बैठी थी, वहां से यहाँ पहुंच गई। देख तो गाइस ये देखो समोसा पार्टी चल रही है इसकी, लगी पड़ी है, चाट रही है। तू तो बीमार थी है, इधर देखिए राधेहा वो उसकी अपनी उसको बिठाया हुआ बड़ी मम्मी को, आजकल हमें नहीं पूछ रही है, लगी पड़ी। तूने हमें पूछा समोसे के लिए खाने स्पीड तो देख, वही तो मैं देख रही हूँ, कोई ज्यादा ना खा ले उसकी बड़ी मम्मी। और ये घर पे समोसे समोसे कुछ नहीं खाती, गोल गप्पे मांगती है, समोसे बिल्कुल नहीं खाती, हाथ के समोसे पक्का खाती जाती है। फ्रेंड को तो पूछ लेती, पूछ लिया एक खा लिया, अच्छा शेयर दूसरे से भी करवाती है और खुद भी। तो ये है अब अकाउंट खुलवाने, इसका पहला अकाउंट खुल रहा है यहाँ का, ठीक है। कितने पैसे जमा कराने वाले पैसों की बात मत कर, लाखों की बात किया कर। पैसे लाखों भाई अंदर और क्या, पैसे पैसे होते हैं, पैसे सिक्के होते हैं, अभी ये सारा खुलवाएगी। चलो तब हम अकाउंट खुलवाने आए हैं यहाँ शॉप पे भैया की। गैस अभी मैं राजपुर आया हूँ अपनी सिटी में, अपने अंकल के साथ, मेरे जो अंकल है उनके साडू साहब की बेटी की शादी है, वो दोनों आगे जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गैस ये मेरे अंकल है, रेड कलर की जो पहन रखी है, और साथ में उनके साडू साहब है, इनकी बेटी की शादी है तो उनकी शॉपिंग करने आए, मुझे साथ लेकर आए हैं। ये है हमारी सिटी की मार्केट, यहाँ बहुत बचपन निकाला, स्कूलिंग टाइम लगा लो, कॉलेज टाइम निकालो, यहीं पे कपड़े से लाते खरीदने, सेल ढूंढते थे कहाँ पे लगती है, तो बहुत टाइम बाद चक्कर लगा। तो वैसे ये मेरी छोटी कजन है, इसने ये सिलेक्ट की है ड्रेस, और अभी श्वेता को तो आप जानते हो, उसने भी सिलेक्ट किया, वो दिखा यहाँ से अभी बाई किया। अंकल जी की जेब खाली हुई है, आज 12-10-12 हज़ार रुपये की ड्रेस, एक एक ही ड्रेस ली है अभी, और एक पहले भी लेकर गए थे, और ये लिया श्वेता। चलो तो गाइस इन्होंने हमें लहंगे पसंद करवाए हैं, बहुत अच्छे लगे, शरारा टाइप था ना, हाँ बहुत अच्छा लगा हमने, और बहुत ही जेन्युइन प्राइस में लिखा है। क्या नाम है आपकी शॉप का? साबिका। साबिका राजपुरा में गाइस, आप कोई भी बाय करना चाहते हैं तो साबिका नाम से शॉप है, सेकंड फ्लोर पे टाउन में, बहुत अच्छे जेन्युइन प्राइस लगे और हमें बहुत ही मजा आया भाई आपके साथ, थैंक यू भाई, वेलकम भाई। तो गाइस ड्रेसेस ले लिए हैं, बरादिया के फोन आ रहे हैं मुझे घर से, कहाँ पे हो, मैं ना छुप कर आया था, अभी वो बोल रहे थे आप घर आओ मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से हमने बाय किया, क्या शॉप का नाम है सर आपकी? सर चंडीगढ़ शू कंपनी, चंडीगढ़ शू कंपनी राजपुरा में है टाउन में, कोई भी यहाँ से बाय कर सकता है, हमने बाय किया बहुत ही जेन्युइन प्राइस में मिला, थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलेंगे, प्लीज विजिट। तो गाइज हम गांव से अभी जस्ट घर पहुंचे हैं, और आप हमें कमेंट करके बताना आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, और हमारी मूवी की शूटिंग बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है जिसमें आप लोग हमारी स्टोरी देखोगे। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।